हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे गाइस, अडानी पावर टू एक्वायर डीबी पावर फॉर ₹7,017 करोड़। अडानी पावर ने डीबी पावर को बाय कर लिया है। बहुत बड़ी न्यूज़ है ये गाइस। अडानी पावर के बारे में तो आप जानते ही हो, कितना अच्छा स्टॉक है, कितनी अच्छी कंपनी है। अडानी पावर अनाउंस्ड ऑन अगस्त 19 दैट इट विल एक्वायर डीबी पावर लिमिटेड विच ऑन्स एंड ऑपरेट्स अ रनिंग 2x600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट्स एट डिस्ट्रिक्ट जंगीर चंपा इन छत्तीसगढ़ फॉर ₹7,017 करोड़। द एक्विजिशन इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प द कंपनी एक्सपेंड इट्स ऑफरिंग एंड ऑपरेशन इन द थर्मल पावर सेक्टर इन छत्तीसगढ़। अडानी पावर हैज़ इन्फॉर्म्ड द स्टॉक एक्सचेंजेस दैट द एक्विजिशन डज नॉट फॉल विद इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एंड द प्रमोटर ग्रुप हैज़ नो इंटरेस्ट इन डीबी पावर। नोटेबली द proposed transaction is subject to receipt of approval from the Competition Commission of India and any other approvals as may be identified following the due diligence exercise to be conducted with respect to DPPL and DB Power. According to the exchange filing, the initial term of the MOU shall be till October 31, 2022, which may be extended by mutual agreement. Adani Power will have shareholding control over 100% of the total issue. देख रहे हैं आप total कितना होगा? 100% होगा shareholding control. Subscribed and paid up equity share capital and preference share capital of DPPL, while DPPL will hold percentage of the total issued subscribed and paid up equity share capital of DB Power on the closing date. The turnover of DB Power ki turnover aap dhyan se suniyega. Turnover of DB Power during the last three financial year is ₹3,488 करोड़, ये 21-22 का है। फिर था 2,930 करोड़ 2020-21 का। वहीं लेटेस्ट ऑफ देख लिए 21-22 का इतना है, और वहीं 19-20 का था 3,126 करोड़ का। रिस्पेक्टिवली इट इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग थर्मल पावर जनरेटिंग स्टेशन। इट हैज़ लॉन्ग एंड मीडियम टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स फॉर 923.5 मेगावाट ऑफ इट्स कैपेसिटी backed by fuel supply agreements with Coal India Limited and has been operating its facilities profitably. The company was incorporated on October 12, 2006 within the jurisdiction of the Registrar of Companies, Gwalior. Diligent Power Private Limited, it is the holding company of DB Power and has a turnover of ₹0.19 crore for financial year 2021. So guys, जब अडानी पावर ने डीबी पावर को बाय कर लिया तो आपको पता है ये और ग्रो करेगा। अडानी पावर और ज़्यादा हाई जाएगा, और ज़्यादा ऊपर जाएगा, इसका रिवेन्यू, उसका प्रॉफिट, टर्नओवर सब बढ़ेगा। उसी के साथ आप देखिए स्टॉक अभी 410 रुपीज़ पर चल रहा है गाइस, और इसका हाई है 418। तो सोचिए आप, 10 तक तो पहुँच गया, 18 आने में टाइम नहीं है, 52 वीक का था, लेकिन मुझे लगता है कुछ महीने में, अगले महीने तक ही पहुँच जाएगा, कुछ हफ्ते तक ही पहुँच जाएगा अडानी पावर। अडानी पावर को अब जो इतना डीबी पावर बाय करा, उसके बाद बहुत सारी चेंजेस इसके अंदर होने वाले हैं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि आपने खुद देखा कि जो डीबी पावर है वो खुद भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, एक बहुत अच्छा स्टॉक है। उसका आपने खुद ही टर्नओवर देखा कितना सही है, जो जो 21-22 के अकॉर्डिंग है, 19-20 के अकॉर्डिंग जो बड़ा ही है टर्नओवर, ऐसा नहीं कि घटा है, टर्नओवर बड़ा है इसकी। उसके अकॉर्डिंगली गाइस बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है, बहुत अच्छा स्टॉक है अडानी पावर। मैं तो ये बोलूँगी एक तरीके से मल्टी बैगर लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है। बाकी गाइस डिपेंड तो आप पे करता है। देखो मैं आपको न्यूज़ जो लेकर आती हूँ, आप लोगों के लिए जो मैं वीडियोस लेकर आती हूँ, ये आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ना ही रिकमेंड करने के लिए करती हूँ, बस आप लोगों की नॉलेज के लिए लेकर आती हूँ कि हाँ ये स्टॉक चल रहे हैं और ये अच्छे हैं, इसमें ये परफॉर्मेंस हो रही है, इतना नोटिफिकेशन, ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं, ताकि आप लोग अपडेट रहें एंड देन उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट करें। बस मेरा बस यही फंडामेंटल रहता है कि आप लोगों के लिए चीज़ें मैं ऐसे लेकर आऊँ ताकि आप लोगों को वो चीज़ों पर भरोसा हो। और अगर आपको फिर भी डाउट लगता है तो आप खुद से चेक करिए ना, खुद से पता करिए कंपनी के बारे में। बाकी देखिएगा, इतना तो आपको ही पता होगा कि लेटेस्ट न्यूज़ जो चल रही है अडानी पावर की, जो मैंने अभी बताई आपको कि अडानी पावर ने जो कि मैंने अभी बताई आपको कि जो अडानी पावर ने परचेज कर लिया है इसको डीबी पावर को, तो क्या इससे आपको खुद ही पता चल जाएगा। बाकी गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए, और
कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गुड बाय गाइस, थैंक यू।